हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं अपना टाइम बताती हूँ। सो टाइम इज़ 12:30 इन दी नाइट। यस, बीच रात हो रही है एंड आज पूरा दिन मैं ऑफिस में इतनी बिजी थी, मंडे ब्लूज यू नो। तो आज मैंने प्रॉपर अच्छे से लंच वंच भी नहीं किया है। सो अभी मेरे को ना चॉकलेट की बहुत गंदी वाली क्रेविंग हो रही है। सो मैंने सोचा कि फटाफट मैं चॉकलेट का कुछ बनाऊँ। सो आई एम गोइंग टू मेक अ चोको लावा केक, जो हम कटोरी में बनाएंगे, और नॉर्मल घर पे जो बिस्किट्स और चॉकलेट्स पड़े होते हैं मैं उसी से बनाऊँगी। सो बिफोर गोइंग इन टू किचन, मैं बस बताना चाहती थी कि मैं पागल हो गई हूँ। आप चोको लावा केक कभी भी बना सकते हो, इट्स नॉट दैट कि मतलब, बट मुझे मेरी क्रेविंग्स बड़ी ही अजीब होती है। सो क्योंकि मैं क्या बोलते हैं उसको, आई एम इंसोमैनियक, और मेरे को आजकल स्लीप इश्यूज़ हो रहे हैं, तो मेरे को क्रेविंग भी रात को होती है तो चॉकलेट्स की खाने की। तो अभी मेरे को चॉकलेट्स की क्रेविंग हो रही है। सो अभी हम जाएंगे अपने किचन में। तो अभी तो मेरा किचन भी सो चुका है, पर हम अपने किचन को गुड मॉर्निंग बोलेंगे, अपने किचन को जगाएंगे और हम बनाएंगे चोको लावा केक, और फिर हम खाएंगे साथ में। और आज हम थोड़ी सी बातें भी करेंगे अबाउट माई चैनल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई चैनल। तो अभी हम पहले चलते हैं अपने किचन में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टू स्टार्ट विथ, ये मैंने लिया है कुछ ओरियो बिस्किट, कुछ हाइड एंड सीक बिस्किट्स, और इसको हम कुछ नहीं डालना, इसको हमें पाउडर बनाना है। पर पाउडर बनाने से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। नाउ अगर आपके पास बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं है, आप इनो डाल दो, आप फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। सो अभी हम इसको मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल दिया, अब मैं इसको पीस कराती हूँ। सो वो जो हमने पाउडर बनाया था उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाया है, यू कैन सी, और इसको जैसे केक वाली जो कंसिस्टेंसी होती है ना उसमें लेकर आएंगे। सो मेरा आई थिंक 2 से 3 चम्मच में अच्छी सी केक वाली कंसिस्टेंसी आ गई थी। एक कटोरी, उसमें को मैंने अच्छे से ऑयल या बटर, जिससे भी आपको ग्रीस करना है आप उससे कर दो ग्रीस, और ये जो हमारा मिक्सचर है वो हम करेंगे इसमें। आओ, मैंने लिया है एक डेयरी मिल्क, ये 2 छोटे छोटे क्यूब्स, और इसको मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। और इसको हम कर देंगे ऐसे कवर, ठीक है ना। सॉरी, क्योंकि रात है तो कुत्ते तो बोलेंगे ही, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं अपने बेकिंग के तरफ। कोई भी बर्तन ले लो आप, इसमें एक अंदर मैंने छोटा सा स्टैंड डाला है 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, इसको मैंने प्रीहीट किया था, ठीक है। और अब जब तक हम अपना बैटर बना रहे थे, और अब हम रख देंगे इसमें अपना कटोरा, ठीक है। और हमें इसको ढक कर, ठीक है, इस तरह से हमें इसको ढक कर लो फ्लेम पे 12 से 15 मिनट्स पकाना है, ठीक है। तब तक हम बातें करते हैं। सो बातों से मैं ये कहना चाहती थी कि नाउ मेरे चैनल को ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं, मतलब हो जाएंगे 2 मंथ्स जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक। सो मेरे चैनल का कॉन्सेप्ट इस कि देखो यार, यूट्यूब पे ना बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं कुकिंग चैनल के, जो कुकिंग की रेसिपीज डालते हैं। सो मेरा मेन फोकस टू स्टार्ट द चैनल वॉज, सबसे पहला कि माय मेन फोकस इज कि हमारे पास घर में जितने छोटे छोटे सामान होते हैं ना, हम उसी से कुकिंग करें। लाइक मैंने पानी से केक बनाया था, घर पे जो थोड़े बहुत सोडा नहीं है तो मैंने पानी से रिफ्रेशर्स बनाए थे, गर्मी में आप ऑरेंज मैंगो से पी सकते हो। तो ऐसे थोड़े बहुत इनोवेशंस करती रहती हूँ। सेकेंडली, मैं कुछ मेरा कुकिंग चैनल को मैं बहुत बोरिंग नहीं बनाना चाहती। सो आई कम अप विद डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, लाइक होम शेफ एक्सपेरिमेंट्स, हैशटैग एवरी फूड हैज़ अ स्टोरी, हैशटैग फूड मोमेंट्स, हैशटैग फूड चैलेंज, ये फूड चैलेंज, ऐसे ऐसे बहुत से सेगमेंट्स आएंगे। सो आई वॉन्ट टू मेक माई कुकिंग चैनल इंटरएक्टिव, लाइक मैं किसी से कोलैब करूँगी, किसी को फूड चैलेंज करूँगी, किसी का अपीयरेंस आएगा मेरे चैनल पे, और वो भी बहुत क्विक और सिंपल रेसिपीज होंगे। सो मैं एक बहुत मोनोटोनस सा कुकिंग चैनल नहीं स्टार्ट कर दी। सो मैंने सोचा कि अब 2 महीने हो गए तो मैं अपने चैनल का थोड़ा सा पर्पस समझा देती हूँ। सो मेरे चैनल का पर्पस इज कुकिंग, ऑफ कोर्स कुकिंग तो हमारा कुकिंग चैनल है, तो ऑफ कोर्स हमारा टारगेट कुकिंग ही होगा।
बट कुकिंग के साथ साथ आई एम ट्राइंग टू मेक माई कुकिंग सेशन मोर इंटरएक्टिव, ताकि लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगे, लोग मुझसे कनेक्ट कर सकें, लोग मेरे बारे में जान सकें कि इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी आप कुकिंग कर सकते हो, बिकॉज कुकिंग और होममेड फूड ही खाना चाहिए। अब तो है भैया कोरोना वाला केस भी हो गया है, तो अब तो लोगों की अकल भी खुल गई होगी, तो अभी भी मैं रिकमेंड करूँगी कि लोगों को घर का खाना ही खाना चाहिए। मैं खुद उसकी हैबिट डाल रही हूँ, मैं लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि वो उसकी हैबिट डालें। सो मोटा मोटा ये मेरे चैनल का थोड़ा बहुत अपीयरेंस था, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था रात को और मेरे को क्रेविंग भी बड़ी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बात कर लेती हूँ और मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी हम 10 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा चॉकोलावा केक कहाँ तक पहुँच जाए, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना बढ़िया सा चॉकोलावा केक बना है यार, मतलब मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा। सो अभी हम 10 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको वापस मिलती हूँ विथ माई चॉकोलावा केक विथ अ लॉट ऑफ चॉकलेट, जिससे हमारी सारी चॉकलेट क्रेविंग खत्म हो जाएगी। ये सो वेट करते हैं 10 मिनट, वरना ऊपर से जो मेरे पड़ोसी हैं ना, वो मुझे आके मारेंगे, बोलेंगे रात के 12:30 बजे क्या शूटिंग कर रही है। सो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ यार, यू नो ऊपर सो रहे होंगे सारे। सो अभी हम वेट करते हैं। केक इज रेडी, अभी हम इसको करेंगे अनमोल्ड। प्यारा चॉकोलावा, चॉकोलावा केक डन। सो एक्चुअली इसका वीडियो बहुत पहले शूट हुआ था, पर उस दिन मैं बिना रिकॉर्ड किए खा चुकी थी चॉकोलावा केक। सो आज मेरे को दोबारा बनाना पड़ा। सो दिस इज फाइनल चॉकोलावा केक। सो अब हम इसको कट करके दिखाते हैं कि इसमें कितना अच्छा अंदर से मोल्टन लावा भरा हुआ है। सो मैं, यू कैन सी, इसके अंदर बिल्कुल मार्केट जैसा जैसे होता है मोल्टन चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट वैसा है। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। Oh, oh, oh.